हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम सेट टू ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11, आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट हैज बीन गिवन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो वी हैव टू मेक वन पैरेललोग्राम ओवर हियर, ठीक है। सो इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट डायगनल्स, एक डायगनल का लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल, तो हमें दो डायगनल तो बनानी ही है। सो मेक अ लेट, हम अज्यूम करेंगे लेट ए बी सी डी बी द गिवन पैरेललोग्राम एंड डायगनल बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, लेट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी बी द गिवन पैरेललोग्राम and let diagonal AC and BD intersect at point O, ठीक है। और क्या बोला है, दो साइड का स्क्वायर प्लस किया, एडजेसेंट साइड मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसको प्लस किया तो क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। एंड वन ऑफ द डायगनल, तो ए सी क्या दिया है, आप लिखोगे 12 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू यू। नाउ इफ ए सी इज 12 सेंटीमीटर, ए ओ इज हाफ ऑफ 12, हाफ ऑफ ए सी। वाई रीजन, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। सो नाउ देयरफॉर ए ओ इज इक्वल टू हाफ इंटू 14, 2 7 14, देयरफॉर ए ओ इक्वल 7 सेंटीमीटर, दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए ओ हाफ है तो मतलब ओ मिड पॉइंट है ए सी का, तो बी ओ क्या हो गया, मीडियन हो गया। सो वी विल यूज अपोलोनी थ्योरम, सेगमेंट BO is the median. So by definition you will write so therefore by Apollonius theorem क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2BO स्क्वेयर प्लस 2AO स्क्वेयर, फाइन। इट इज 130 हाँ इक्वल 2BO स्क्वायर प्लस 2 इंटू AO, क्या मिला हमें 7 स्क्वायर, फाइन। देयरफॉर 130 इक्वल 2BO स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49, देयरफॉर 130 इक्वल 2BO स्क्वायर प्लस 98, देयरफॉर 2BO स्क्वायर इक्वल 130 माइनस 98, 130 से आप 98 माइनस करते तो क्या मिलता है, देयरफॉर 2BO स्क्वायर इज इक्वल टू 32, देयरफॉर BO स्क्वायर इक्वल 32/2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, देयरफॉर BO इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, इट्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो BO क्या मिल गया आपको, 4 सेंटीमीटर, आपको लेंथ ऑफ अदर डायमीटर, BD क्या होगा, डबल ऑफ 4। सो BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, अगेन हियर यू विल राइट डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईदर डायगनल, सो देयरफॉर 4 इक्वल हाफ ऑफ बी डी, देयरफॉर बी डी इक्वल 4 × 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट इन आंसर length of the other diagonal of a parallelogram is 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स नॉट सो हार्ड, ईजी है, करिए इसको। लेट्स गो टू 13 क्वेश्चन नाउ। सो
सो नाउ इन 13 क्वेश्चन व्हाट इट इज बीन गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी डीबी जो है वो 3CD है वी हैव टू प्रूव 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर सॉरी BC स्क्वायर 2BC में तो जो गिवन है वो लिख दो आप इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी एंड डीबी इज इक्वल टू 3CD टू प्रूव 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओके लेट्स स्टार्ट द प्रूफ क्या दिया है DB इक्वल टू 3CD दिस इज गिवन टू यू ऑल सो DB इक्वल टू 3CD इट इज गिवन नाउ इन ट्रायंगल ADB यू आर सीइंग एंगल ADB क्या है 90 डिग्री है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और DB स्क्वायर ठीक है अब DB क्या है 3CD है हम DB के बदले यहाँ 3CD लिखेंगे सो देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस 3CD सॉरी हाँ स्क्वायर यू वेर यहाँ लिखोगे आप फ्रॉम 1 ठीक है सो देयरफॉर AB स्क्वायर किसको इक्वल हो गया AD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर को इतना क्लियर नाउ व्हाट यू विल डू यू विल मल्टीप्लाई 2 विच ईच टर्म ओके क्योंकि हमें 2AB करना है यहाँ तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड सो व्हाट विल हैपन इट विल बिकम 2AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 18 टू नाइन ज़ा 18 टू CD स्क्वायर इसको आप 2 दे दो दिस मच इज क्लियर नाउ इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री अगेन इट इज गिवन सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम What will happen? AC square is equal to AD square plus DC or CD square. Okay. So, now AC square equal AD square plus DC square. So, hum isko again isko 2 se multiply karenge. Therefore, 2AC square equal 2AD square plus 2DC square. What we have did? We have multiplied 2 on both sides. And mark it 3. Isko 3 de do. नो BC का मतलब क्या है BC इज इक्वल टू BD प्लस CD वाई बिकॉज दे आर कोलिनियर पॉइंट दे आर इन सेम लाइन सो BC इक्वल 3CD प्लस CD अब 3CD प्लस CD कितना हो गया 4 हो गया यहाँ रीजन आएगा फ्रॉम 1 देयरफॉर BC इक्वल 4CD नो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू स्क्वेयर इट स्क्वेयरिंग ऑन Squaring both sides. Squaring both sides, what will happen? It will become BC square equal 4 4 16 CD square. इसको आपने 4 दे देना है ठीक है अब आप क्या करोगे 3 और 4 को ऐड करोगे एडिंग 3 एंड 4. अब 3 में क्या था 2AC square plus BC square हो गया equal 2AD square plus 2CD square. प्लस 16CD स्क्वायर इसको प्लस करो ये 18 हो जाएगा देयरफॉर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल 2AD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर गिव इट 5 नाउ फ्रॉम 2 एंड 5 क्या मिलता है आपको 2 एंड 5 क्या मिलेगा 2 में क्या बताया हमने यहाँ देखो 2AB स्क्वायर इक्वल 2AD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर और यहाँ आपने बताया 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 18D स्क्वायर तो यहाँ का जो टर्म है राइट हैंड साइड का दो जगह सेम है तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस फिनिश सो आप लिखोगे देयरफॉर 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल सो दिस वॉज योर सम ओके
अंडरस्टैंड दिस मच? सो लेट्स गो टू लास्ट सम ऑफ दिस लेसन. ये करके हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम खत्म हो जाता है आज. सॉरी आई थॉट कि लास्ट सम है, अभी और सम पड़े हैं, चार पांच सम. तो आज तो हम इतना ही करके बस करेंगे, बाकी के जो है वो कल कंटिन्यू करें. मुझे लगा कि इतना ही है, सॉरी. नाउ दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. इफ इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसका अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा. और वो आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है. फाइन, बेस 10 सेंटीमीटर है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द ऑपोजिट द बेस और द सेंट्रॉइड. मतलब इसका जो सेंटर है आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, ये यहाँ से लेके ए तक. तो ए बी सी हम मार देंगे. सी सेंट्रॉइड क्या होता है? दो जब इनके अल्टीट्यूड्स मिलते हैं तो सेंट्रॉइड होता है. तो आपको ये पॉइंट निकालना है. सो क्या करोगे? लिखोगे लेट ट्रायंगल ए बी सी बी द गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, ए बी किसको इक्वल है? ए सी को, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. एंड बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी हैव डिड? वी हैव ड्रॉन सेगमेंट ए एम परपेंडिकुलर टू साइड बी सी हमने ड्रॉ किया. सच दैट दिस थ्री इन वन लाइन. ओके, बी एम सी. नाउ इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम सी ए, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन. हमने बताया कि वो क्या है? परपेंडिकुलर है. हाइपोटेन्यूज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ए सी. ये आपने ऑलरेडी बताया, दोनों 13 सेंटीमीटर का है, दिया हुआ है. सो साइड ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए एम. वाई इट इज कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज दे आर कॉमन साइड. सो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम सी बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. ठीक है, अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो इसमें कि बाकी साइड्स, बाकी एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. सो देयरफॉर सेगमेंट बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी एम. वी विल राइट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. इसको आप वन दे दो. दिस मच इज क्लियर? नाउ बी एम इक्वल सी एम इक्वल हाफ ऑफ बी सी. तो दे क्या हो जाएगा? बी एम और सी एम क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 10 हो जाएगा. 2 5s are 10, तो दे बोथ आर 5 सेंटीमीटर. देयरफॉर बी एम इक्वल सी एम इक्वल 5 सेंटीमीटर. फाइन, दिस मच इज क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल ए एम बी, विच ट्रायंगल? ए एम बी. एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन. हमने इसको अल्टीट्यूड बताया है. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वेयर. इतना क्लियर आप लोगों को? अब हमारे पास वैल्यू है. ए बी क्या है आपके पास? 13 स्क्वायर है. ए एम हमारे पास नहीं है. ए एम स्क्वायर प्लस बी एम इज व्हाट? 5 स्क्वायर. 13 इज 169 इक्वल ए एम स्क्वायर प्लस 25. देयरफॉर ए एम स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 25. 9 माइनस 5 4 4 1. तो ए एम स्क्वायर क्या मिल गया आपको? 144. देयरफॉर ए एम इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो आपको ए एम कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर. नाउ बी एम किसको इक्वल है? एम सी को इक्वल है. यहाँ हमने फ्रॉम 1 बता दिया. फाइन, बी एम एम सी को इक्वल है. और सेगमेंट ए एम क्या है? इज अ मीडियन. ओके, इट्स बाय डेफिनेशन. सो इसका मतलब है जो सेंट्रॉइड है, जो सेंट्रॉइड है, जो सेंट्रॉइड क्या है? हमेशा याद रखना, जी से लिखते, जी लाइज ऑन इट. सो
सो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी आपने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ी है, नहीं है तो आप रिवाइज एक बार बुक खोल के देख लेना. सो देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है. ए जी इक्वल 2:3, सॉरी 2:3 ऑफ ए एम. ओके सो देयरफॉर ए जी इज इक्वल टू 2:3. ए एम क्या मिला हमें 12 इंटू 12, 3 4 12. तो देयरफॉर ए जी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो आपको सेंट्रॉइड क्या मिल गया, 8 सेंटीमीटर. आंसर लास्ट में मेंशन कर दीजिए. द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स, जो क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिखो. ऑपोजिट टू बेस, ऑपोजिट टू बेस एंड द सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो दिस वॉज योर सम. होप आपको ये समझ में आया हो. सो बाकी के जो क्वेश्चन से हम कल कंटिन्यू करेंगे. प्लीज़ स्टूडेंट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.